हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू नैनश्री क्लासेस एंड दिस इज नैनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ KBS एग्जाम के लिए बेस्ट बुक रिसोर्सेज यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। जो भी बुक रिसोर्सेज यहाँ पर आज मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये मैंने पर्सनली रीड किए हुए हैं और साथ ही साथ इनको टॉपर्स ने भी सजेस्ट किया है। टॉपर्स यानी कि जिन्होंने पिछली बार ये एग्ज़ाम जो है क्रैक किया हुआ है बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ, उन्होंने भी यही बुक रिसोर्सेस यूज़ किए हुए हैं। अब यहाँ पर बुक रिसोर्सेज को बताने का मतलब ये है कि आप जो है सेल्फ स्टडी ज़्यादा करें तो अच्छा है, किसी कोचिंग के भरोसे ना रहें, क्योंकि समय बहुत कम है। आप मान के चलिए कि 4 महीने बाद आपका पेपर है, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप 4 महीने कोचिंग का टारगेट लेके चलते हैं तो सिर्फ आप कोचिंग ही जाते रहेंगे, आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएंगे। जबकि इस एग्ज़ाम में सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ पर अब आपका जो है सिलेबस जो चेंज हुआ है उसमें आपकी व्यवहारिक चीज़ें ज़्यादा आपकी पूछी जाएंगी, जैसे आपकी पैडागोजी में आपसे व्यवहारिक चीज़ें ज़्यादा पूछी जाएंगी। साथ ही साथ इंटरव्यू का वेटेज भी चेंज हुआ है, जिसमें आपसे जो है 30 मार्क्स में डेमो होगा और 30 मार्क्स में आपसे क्या पूछा जाएगा, आपका इंटरव्यू होगा। वहाँ पर भी आपसे व्यवहारिक चीज़ें ही पूछी जाएंगी, तो बेटर होगा कि आप घर में रहें और अपना सेल्फ स्टडी ही करें। तो ये बुक रिसोर्सेज आपकी सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं। आइए इनको हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि KVS जो एग्ज़ाम है वो 180 मार्क्स का आएगा और 70% वेटेज आपके इसी का है, जिसमें आपके 4 पार्ट होंगे। अगर अलग अलग आपके फ्रेगमेंट करके नहीं होते हैं, आपके एक ही एग्ज़ाम में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके दिया जाता है, ठीक। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको। पार्ट 1 में आपसे 2 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और पार्ट 1 कितने मार्क्स का होता है, तो 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। पार्ट 1, तो पार्ट 1 में क्या क्या होगा, पार्ट 1 में होता है आपका जनरल हिंदी और आपका इंग्लिश होता है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश आपसे पूछा जाता है पार्ट 1 में, हिंदी एंड क्या पूछा जाता है, इंग्लिश, ठीक। तो यहाँ पर आपसे 2 चीज़ें पूछी जाएंगी, लैंग्वेज यानी आपसे पूछा जा रहा है, 10 मार्क्स का हिंदी होता है, 10 मार्क्स का इंग्लिश होता है। जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको समझ लगेगा कि एक लैंग्वेज और दूसरा आपका CDP कितना बड़ा रोल प्ले करता है इस एग्जाम में। क्योंकि आपका लैंग्वेज ही सिर्फ आपसे 40 मार्क्स का पूछा जा रहा है, 20 का यहाँ पर, 20 का आगे पार्ट 4 में पूछा जाएगा। तो लैंग्वेज को आप यहाँ पर मजबूत करें, यानी कि हिंदी और इंग्लिश को मजबूत करें। हिंदी के लिए जो बेस्ट बुक है वो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी कि आप आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक आती है हिंदी की, मार्केट से आप ले लीजिएगा, ये बेस्ट बुक है आपके हिंदी के लिए, ठीक है। और अगर आपके पास हिंदी के लिए ये बुक नहीं है, देन आप लूसेंट भी पढ़ सकते हैं। लूसेंट भी बहुत अच्छी बुक है हिंदी के लिए, ये भी अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हैं इसको। लेकिन बेस्ट है आप आदित्य पब्लिकेशन पढ़ें। बुक बेस्ट वही होती है जिसमें आपका जो मेंशन किया गया सिलेबस है, जो आयोग ने मेंशन किया है, वो सारा सिलेबस आपका मिल जाए, आपको अलग अलग जगह भागना ना पड़े, वो होती है आपकी बेस्ट बुक। साथ ही साथ जो कंटेंट उसमें दिया है वो क्लियर होना चाहिए और एग्जाम में फंसना चाहिए, मैटर ये भी करता है कि फंसना चाहिए। तो आदित्य पब्लिकेशन बहुत अच्छी है, देन यू कैन गो फॉर आदित्य पब्लिकेशन, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश में आप सभी को मैं कहूँगी कि नीतू मैम की जो बुक आती है, किसकी, नीतू मैम की, प्लिंथ पैरामाउंट करके एक बुक आती है इनकी, आप वो ले सकते हैं, इन मैम की बुक काफ़ी अच्छी बुक है। इस बुक में फ़ायदा ये है कि इसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा आपका जो है बुक ऐप भी मिल जाता है। तो इसमें फ़ायदा ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ आपको बुक ऐप भी मिलता है। जबकि एक और बुक है, जैसे आपका जो है मिरर ऑफ कॉमन एरर करके एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच इन एडिशन बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। बट ड्रॉबैक क्या है उसका, ड्रॉबैक है कि उस बुक में आपका बुक ऐप सेक्शन नहीं है। तो बुक ऐप सेक्शन के लिए फिर आपको भटकना होगा। तो आप जो है यहाँ पर डिसाइड कर लें कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो मैं दोनों ही बता दूंगा आपको। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पार्ट 2 की। ये तो हो गया हमारा पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 2 में आपका क्या आता है, तो पार्ट 2 भी आपका 20 मार्क्स का आता है, जिसमें आपसे जो है करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, ठीक है। और आपसे यहाँ पर रीजनिंग पूछी जाती है, ठीक। और क्या पूछा जाता है इसमें आपसे, और आपसे कंप्यूटर पूछा जाता है। तो आपसे यहाँ पर पार्ट 2 में 20 मार्क्स में करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड कंप्यूटर पूछा जाता है। करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस को आप किसी एक YouTube प्लेटफॉर्म से अपना जो है यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको 10 मार्क्स का पढ़ना है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ना होगा करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस को। अगर आप किसी YouTube को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, देन आप जो है क्या करें,
आप एक स्पीडी की जो बुक है वो पढ़ सकते हैं, स्पीडी की बुक नहीं पढ़ना है देन प्लेटफॉर्म की, द प्लेटफॉर्म की एक जो बुक आती है करेंट की, स्पीडी जितनी ही पतली है बट बेस्ट है, उसमें जो कंटेंट दिया हुआ है वो बहुत अच्छा कंटेंट है, उसमें अलग अलग करके आपको डिवाइड करके दिया जाता है, तो वो आप बुक पढ़ सकते हैं, बेस्ट बुक होगी, एक बार आप पढ़ के देखिए उसको। और बात ये आती है कि आपको करंट अफेयर्स जो है कितने महीने का पढ़ना चाहिए, तो आपको एटलीस्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स यहाँ पर पढ़ना ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 ईयर का करंट अफेयर्स आप पढ़ के जाएं, लेकिन लास्ट 6 महीने का जो करंट अफेयर्स है मतलब एग्जाम के होने के 6 महीने पहले का, वो आपका मेजर रोल प्ले करता है, देन आप उसको जरूर अच्छे से एकदम अपना पक्का कर लें। ठीक, फिर बात आती है कि रीजनिंग के लिए कौन सी बुक पढ़ें, तो रीजनिंग के लिए तो बेस्ट है कि आप अरिहंत की बुक ही पढ़ें, ये आपकी बेस्ट बुक है। कंप्यूटर के लिए आप लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं, लूसेंट की बुक काफ़ी है कंप्यूटर के लिए, बिकॉज कंप्यूटर आपके 5 मार्क्स के आते हैं, रीजनिंग आपकी 5 मार्क्स की आती है, और आपके जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स आपके 10 मार्क्स के आते हैं, तो मार्क्स को ध्यान में रख के पढ़ना होगा आपको। ओके, अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि पार्ट 3 में क्या आता है, तो पार्ट 3 अपने आप में इस एग्जाम का बहुत बड़ा जो है एक जो कहेंगे कि भाग होता है, पार्ट होता है, तो ये आपको यहाँ पर समझना होगा कि पार्ट 3 में ऐसा क्या आता है। तो पार्ट 3 में आपका आता है CDP, इस CDP में आपसे जो है 60 मार्क्स का CDP पूछा जाएगा इस बार, ये जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है इस 180 मार्क्स का भाग होगा 60। बात यह आती है कि 60 मार्क्स को कैसे कवर करें, कहाँ से कवर करें, तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि सिर्फ मल्टीपल टाइप के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ वही करके जाएं, यहाँ पर 60 मार्क्स का आना है, यानी कि आपको बेसिक ज्ञान यहाँ पर होना चाहिए, साथ ही साथ व्यवहारिक जो आपका ज्ञान है वो आपको होना चाहिए, बिकॉज जब आप सिलेबस देखेंगे जो आपका CDP का सिलेबस है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं सारा डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन उसी सिलेबस को लेके है, तो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का सिलेबस यानी कि CDP का मैं डिस्कस कर दूंगी, जिसमें आप देखेंगे कि वहां पर आपसे फैक्चुअल जो आपकी चीजें हैं वो तो आपकी हैं ही, साथ में आपसे व्यवहारिक जो चीजें हैं वो भी आपकी डिमांड की गई हैं, कि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आप वहां पर अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, आपके अंदर जो है क्वालिटीज होनी चाहिए ये सारी, तो वो सारी आपकी चीजें जो है वो व्यवहारिक नॉलेज से ही, व्यवहारिक जो ज्ञान है आपका उसी से आएंगी, किसी बुक से किसी चीज से पढ़कर नहीं आएंगी। तो बेस्ट होगा कि एक एक टॉपिक उठाएं और आप इसको YouTube पर सर्च करें, आपको YouTube नहीं पढ़ना है तो आप Google पर सर्च करें और वहां से एक एक टॉपिक अपना कवर करें। जैसे पहला टॉपिक जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, तो आप क्या करें कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपना सर्च करें YouTube पर और उसके बाद एक एक टॉपिक अपना क्लियर करते जाएं और नोट्स बनाते जाएं। तो यहाँ पर किसी बुक को मैं आपको जो है सजेस्ट नहीं करूंगी, बेस्ट होगा कि एक एक टॉपिक अपना क्लियर करें। 60 मार्क्स यहाँ पर ना केवल आपको रिटन एग्जाम में सफलता दिलाएगा बल्कि आपके इंटरव्यू में भी आपको यहाँ पर हेल्प करता है। पूछे कैसे, वो इस तरीके से कि आपने जो CDP में यहाँ पर पढ़ा है ना, वो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, आपसे असेसमेंट पूछा जाता है, आपसे इंक्लूसिव एजुकेशन पूछा जाता है, आपसे निर्देशन एवं परामर्श पूछा जाता है, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आप यहाँ पर पढ़ते हैं और वहां पर आपसे पूछी जाती हैं। सो बेस्ट होगा कि आप रटने के बजाय, मतलब फैक्चुअल चीजों को जानने के बजाय, एक व्यवहारिक ज्ञान मतलब आपके अंदर होना चाहिए, चीजों को व्यवहार से रिलेट करके सीखें, बिकॉज आपका जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है, तो व्यवहारिक उदाहरणों से ही आप समझें, तब जाके आप अपने आप को वहां पर रिप्रेजेंट करे जाएंगे कर पाएंगे, बिकॉज आपकी टीचिंग स्किल इस बार बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करने वाले हैं इस एग्जाम में, आपके जो इंटरव्यू है उसमें। ओके, तो ये CDP हो गया, एंड अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं पार्ट 4 कि पार्ट 4 में क्या आपका आएगा। तो पार्ट 4 में आपका अगेन यहाँ पर जो है 80 मार्क्स का आता है और इसमें आपसे अगेन पूछा जाता है हिंदी, इस 80 मार्क्स में आपसे हिंदी पूछा जाता है और आपसे यहाँ पर फिर से इंग्लिश पूछा जाता है और फिर आपसे यहाँ पर क्या पूछा जाता है, EVS पूछा जाता है और EVS के बाद आपसे यहाँ पर मैथ्स पूछा जाता है। मैथ्स में बिल्कुल बेसिक मैथ्स होती है और इसके लिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि मैथ्स के लिए और EVS के लिए आप कुछ ना करें, सिर्फ और सिर्फ NCERT रीड कर लें, ठीक है, NCERT, बस NCERT अगर आपने रीड कर लिया तो आपका EVS एंड मैथ्स वाला जो सेक्शन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पर जितने भी टॉपर्स हैं सबका यही कहना है कि मैथ्स एंड EVS के लिए तो आपके NCERT से ही कॉन्सेप्ट आपके बनेंगे। अगर आप पूछेंगे कौन सी क्लास के NCERTs पढ़ने हैं, तो 6 to 8 तक के NCERTs आपके लिए मस्ट है, मैं आपको कहूंगी ये आपके मस्ट है, लेकिन आप 6 से 10 तक का अगर पढ़ पाते हैं तो ये आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन 6 से 8 तक का NCERTs एटलीस्ट आपको पढ़ के जाना चाहिए मैथ्स एंड EVS में। EVS में जो आपके 6 थीम है वो ही आपको यहाँ पर पढ़ना है, तो यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए जो कि आपके NCERTs से हो जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश के लिए मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। सो ये रहा हमारा ओवरऑल KVS बेस्ट बुक्स के लिए आपको जो है रिसोर्सेज जो मैं डिस्कस करने वाली थी। सो आई होप आपको यहाँ से कुछ हेल्प मिली होगी
और यदि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होता है देन प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। अंत में आपको यही कहूंगी कि ये बुक रिसोर्सेज आप एक बार पढ़ के देखिए, इन बुक रिसोर्सेज से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये सारे बुक रिसोर्सेज वही हैं जो टॉपर्स ने भी यूज़ किए हैं पिछले साल। एंड ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से, लग जाइए, 4 महीने आपके पास हैं तो इन 4 महीनों में अपने आप को इस ठंडी में झोंक दीजिए और एक अच्छा यहाँ पर अपना प्रयास करिए ताकि आपके अंदर जो है पढ़ाई के दौरान टीचिंग स्किल भी आपकी डेवलप हो और वही टीचिंग स्किल्स जो हैं आप अपनी रिप्रेजेंट कर पाएँ अपने इंटरव्यू में। बिकॉज इंटरव्यू में इस बार आप मान के चलिए कि मैं 100% श्योर हूँ कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है टीचिंग स्किल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। आप किस तरीके से जो है अपनी चीज़ों को रख रहे हैं, ये चीज़ें आपकी ज़्यादा मैटर करेंगी। नहीं तो आप ये अपने माइंड में ये बिठा चुके होंगे कि इंग्लिश में ही होता है या हिंदी में होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर सिर्फ आप पर ये देखा जाएगा आपकी टीचिंग स्किल्स कैसी हैं, आप किस तरीके से किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।